चलिए बनाते हैं आम का बहुत ही टेस्टी अचार। इसे हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। इस आम के अचार को बनाने के लिए सबसे पहले हम आम को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसे पूरे एक दिन के लिए धूप में अच्छी तरह से सुखा करके ले लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, नमक। हल्दी और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आम के साथ। आम के साथ इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे पूरे एक रात के लिए छोड़ देंगे और कल होके हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाले में हम लेंगे सरसों, जीरा, मेथी, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, विनेगर। गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा देंगे, इसमें डाल देंगे सरसों, सौंफ, जीरा, मेथी। मसाले को लगातार चलाते हुए एक मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे इसे हम। मसाले को एक मिनट रोस्ट करने के बाद इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देंगे। अब हम गैस के ऊपर एक पैन चढ़ा देंगे, इसमें डालेंगे सरसों तेल। तेल को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तेल को गर्म हो जाने के बाद इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देंगे। मिक्सी के जार में डाल देंगे मसाले जो हमने रोस्ट किए हैं। मसाले को डाल के इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे हम। मसाले को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, इसे डाल देंगे एक बर्तन के अंदर। इसमें हम डालेंगे अब कलौंजी, अजवाइन, लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। इसमें हम डाल देंगे अब तेल। तेल को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तेल को मसाले के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे आम। आम को डाल के मिक्स करेंगे अब इसके साथ। इसमें डाल देंगे विनेगर और इन सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आम बिल्कुल अच्छी तरह से कोट हो गया है मसाले के साथ। इस अचार को हम डाल देंगे, कोई भी शीशे का बर्तन लेंगे और इसमें डाल देंगे इसे। इस जार को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से भर दिया है, देख सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें ऊपर से तेल। तेल को हमने गर्म करके बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। इस अचार को हम 3 से 4 दिन के लिए अच्छी तरह से धूप में सुखा लेंगे। आम का अचार बनकर बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी।